हेलो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है न्यू पार्लियामेंट। भारत के नए संसद भवन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे हम आज आपको। 14 से 15 क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई है? 10 दिसंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 2, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 3, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? HCP हसमुख सी पटेल ने। भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला होगा? 64,500 वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? सेंट्रल विस्टा पुन विकास परियोजना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 8, नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है? 386 सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे? 1224 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया जाएगा या किया गया है? 75 वर्षों बाद। क्वेश्चन नंबर 11, नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया है या आया है? 971 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? भारत के नए संसद भवन का आकार त्रिभुजा आकार होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी? 888 सदस्यों की। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया जाएगा? 28 मई 2023 को। इसका उद्घाटन किसने किया था हम बता चुके हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का नया संसद भवन कितने मंजिल का होगा? 4 मंजिल का। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।